हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं साबूदाने की खिचड़ी। इसके लिए हमने लिया है साबूदाना। साबूदाने को पानी में अच्छी तरीके से भिंगो लिया है और भिंगो के निकाल दिया है। और इसमें हमने हरी मिर्च का प्रयोग किया है क्योंकि हम इसे फलाहार के रूप में खाने वाले हैं। और इसमें हमने आलू को बॉयल कर लिया है और आलू को एक छिलके उतार के रख लिया है। और हमने लिया है घी का यूज किया है, शुद्ध देसी घी का। और हमने सेंधा नमक का यूज किया क्योंकि सेंधा नमक से ही फलाड़ी में आप छानी से खा सकते हैं। सबसे पहले हमने हरी मिर्च को फ्राई किया है। थोड़ी फ्राई होने के बाद इसमें हमने साबूदाने को ऐड किया है। साबूदाने को जब डालते हैं तो उसे ध्यान रखें, वो एक में चिपक जाती है। चिपकने तो आप कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप अच्छी तरीके से फिर से आप नीचे निकाल सकते हैं। बस थोड़ी थोड़ी हल्की हाथों से चलाएं। अच्छी तरीके से चलाने के बाद अब इसमें धीरे धीरे कर एक एक कर दो दो आलू करते हुए हम इसमें डालेंगे। हमें ज़्यादा आलू को चूरना नहीं है, हमें बस थोड़ा मीडियम में ही रखना है। अभी आलू सभी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से पहले फ्राई कर लेंगे। और साबूदाने को भी हम धीरे धीरे कर अपने हल्के हाथों से हटाएं ताकि साबूदाना भी टूटे ना। हम सारे आलू को अब इसमें डाल के फ्राई करेंगे। और सेंधा नमक हमने यूज किया है, हमने सेंधा नमक को ऐड किया। सेंधा नमक डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से चला लेते हैं कि नमक सारे में आ जाए। इससे ही नमक से और अच्छी ही फ्लेवर आती है। और सेंधा नमक खाने में बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे हम लाल ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। और हमने यहाँ मूंगफली पहले से फ्राई करके रखा हुआ था, उसे भी ऐड कर दिया। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। मुझे तो इसमें अच्छी लगती है इसकी टेस्ट, इसलिए हमने इसमें मूंगफली का यूज किया है। मूंगफली डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से चला ले। अब देखिए ये धीरे धीरे हमारा बनकर रेडी होने लग गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप इसे फलाहार के रूप में भी खा सकते हैं या आपके घर में कोई मेहमान आए तो उसे भी खिला सकते हैं। देखिए क्या कितनी अच्छी दिखने में लग रही है। और जितनी दिखने में लग रही है उतनी खाने में भी स्वादिष्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।